We start. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं धनाशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की योगा सेशन में। तो हम शुरू करेंगे आज का सेशन। वी विल स्टार्ट विद थ्री राउंड्स ऑफ प्रामरी एंड प्रार्थना से। प्रामरी हम लोग इनहेल करेंगे नॉस्ट्रल से और जब ही एक्सहेल करेंगे तभी एक्सहेल के टाइम हम हमिंग साउंड करेंगे या मकार या नकार का साउंड करेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। हैंड्स को ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में थंब और इंडेक्स फिंगर के टिप्स को पकड़ के हमें उनको अपने थाइज पे रखना है। यस, so sit in any comfortable position, hands in Dhyan Mudra, relax your shoulders, relax your back, relax yourself completely. Just few normal inhalation and exhalation. Deep inhalation and complete exhalation. Now we will inhale for Brahmari. Inhale. One more time, inhale. Let your eyes remain closed. Feel the beautiful vibration of Brahmari in your head region and the entire body. Now we will be doing a prayer. For that you can take Namaskar Mudra, you can do your own prayer. Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karvavahe, Tejasvinavadhi Tamastu, Mavitvishavahe. Om Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms. Palming karenge. Place your arms on your eyes. Feel the warmth and the darkness on your eyes, on your face. And with few blinks, you can open your eyes. Okay.
वी विल बी स्टार्टिंग विद सूक्ष्म व्यायाम. सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हम, स्टार्ट करेंगे नेक से. तो नेक को राइट की तरफ देखेंगे और लेफ्ट की तरफ. ओके, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, थ्री लेफ्ट, फोर लेफ्ट, फाइव लेफ्ट, रिलैक्स. नाउ साइडवेज, कान को शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे साइडवेज में. वन राइट साइड, लेफ्ट साइड, टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स. शोल्डर रोटेशन, हाथों को अपने थाइस पे ही रखेंगे, जितना हो सके उतना रोटेट करेंगे आगे और पीछे. वन टू थ्री फोर फाइव, एंटी क्लॉक वाइज. वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ. नाउ वी विल बी डूइंग ट्विस्टिंग. उसके लिए राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखेंगे, लेफ्ट ही लेफ्ट हैंड पीछे नीचे रहेगा और ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, जितना हो सके उतना पीछे ट्विस्ट करेंगे. वी विल होल्ड फॉर फ्यू ब्रीदिंग हियर, नॉर्मल ब्रीदिंग. ट्विस्ट योरसेल्फ एज मच एज पॉसिबल. ओके, कम बैक, रिलैक्स. अभी दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड ऑन राइट नी, राइट हैंड बिहाइंड और पीछे ट्विस्ट करेंगे राइट साइड पे. फ्यू ब्रीदिंग हियर, होल्ड, रिलैक्स. वन मोर टाइम, लेफ्ट साइड, राइट हैंड ऑन लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड बिहाइंड, पीछे ट्विस्ट. Relax, right side, left hand on right knee, right hand behind. Relax, relax. अभी हम लोग पैरों को खोल देंगे स्ट्रेट आगे की तरफ, दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस, और हम लोग करेंगे चक्की चालन. उसके लिए हम लोग हैंड्स को इंटरलॉक कर लेंगे, जितना हो सके उतना आगे जाएंगे और जितना हो सके उतना पीछे की तरफ जाएंगे. वन ट्राई टू टच योर थंब, टू उससे भी आगे जा सके तो, थ्री फोर फाइव. अभी एंटी क्लॉकवाइज, वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स, रिलैक्स. नाउ वी विल डू नी एक्सरसाइज. उसके लिए हम फिस्ट बनाएंगे, दोनों हाथ की फिस्ट बनाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे और दोनों मुट्ठी को नीज के नीचे, राइट नी के नीचे राइट हैंड और लेफ्ट नी के नीचे लेफ्ट मुट्ठी. और अभी हम लोग अपने नी कैप्स को नीचे की तरफ दबाएंगे, नी कैप्स को नीचे की तरफ दबाएंगे या पुल करेंगे. वन टू, हैंड पे एक अच्छा सा प्रेशर आएगा, वेरी गुड फॉर नीज. थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स. नाउ वी विल बी डूइंग फॉर एंकल जॉइंट्स. दोनों हाथों को साइड पे रख दीजिए टू कीप योर बैक स्ट्रेट, पीछे की तरफ साइड पे. अभी हम एंकल जॉइंट के लिए पैरों को आगे जितना हो सके उतना आगे करेंगे और अपनी तरफ. वन टू थ्री फोर फाइव,
रिलैक्स. नाउ वी विल बी डूइंग रोटेशन. दोनों पैरों को साथ में रोटेट करेंगे. वन टू थ्री फोर फाइव एंटी क्लॉकवाइज. वन टू थ्री फोर फाइव. रिलैक्स. अभी हम खड़े हो जाएंगे. वी विल बी डूइंग स्टैंडिंग आसन. Yes, we will be doing standing asan. हम लोग शुरू करेंगे ताड़ासन से. ताड़ासन is a tree pose. So उसके लिए हम दोनों पैरों को साथ में रखेंगे, hands को interlock करेंगे और धीरे धीरे hands को inhale करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे head के ऊपर. जितना stretch होके हो सके उतना stretch करेंगे. एंड साइमल्टेनियसली आप अपने टोस पे आएंगे. जो टोस पे आने को कंफर्टेबल नहीं है वो हैंड्स को स्ट्रेच कर सकते हैं. जितना भी हैंड स्ट्रेच कर सकते हो उतना हैंड स्ट्रेच कर सकते हैं. हाँ, एक्सहेल करते करते भी ए से नीचे आएंगे. विल डूइंग वन मोर टाइम. सो इनहेल, हैंड्स धीरे धीरे ऊपर और आप टोज पे आएंगे. हील्स को भी धीरे उठाना है. स्ट्रेच योर सेल्फ ऊपर जितना आप स्ट्रेच कर सके. दिस इज वेरी गुड फॉर योर स्पाइन. इट गिव्स अ वेरी फाइन स्ट्रेच टू योर स्पाइन और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है. होल्ड फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स. नॉर्मल ब्रीदिंग. बाय एक्सहेलिंग स्लोली कम डाउन. हैंड्स नीचे, पैरों को नीचे लाएंगे और एक बार इंटरलॉक योर फिंगर्स. इनहेल करते हुए ऊपर, स्ट्रेच योर सेल्फ ऊपर की तरफ एंड ऑन योर टोज. फाइव फोर थ्री टू वन. एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे. The second asana which we'll be doing is अर्धकटि चक्रासन. अर्धकटि चक्रासन में दोनों पैरों को साथ में रखेंगे. राइट हैंड को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे. जब ये शोल्डर लेवल पे आ जाएंगे तो पाम को हम स्काई की तरफ करेंगे और वापस उठाते जाएंगे. आर्म्स को हम ईयर्स को टच करेंगे और अभी धीरे धीरे लेफ्ट साइड बेंड करेंगे. लेफ्ट साइड बेंडिंग जितना हो सके आपके आपको जितना कंफर्टेबल हो उस हिसाब से उतना ही बेंड कीजिए. लेफ्ट साइड को कंप्लीटली हमें फ्री छोड़ना है, रिलैक्स रखना है. यस, वापस हम स्ट्रेट आएंगे. राइट हैंड को नीचे शोल्डर की तरफ आएंगे तो हम पाम ट्विस्ट करेंगे एंड हैंड नीचे लेके आएंगे. अभी लेफ्ट हैंड से करेंगे. रेज योर लेफ्ट हैंड. शोल्डर लेवल पे आएंगे तो हैंड ट्विस्ट करके और ऊपर की तरफ जाएंगे. टच योर आर्म टू योर ईयर्स. अभी राइट साइड बेंड करेंगे कंफर्टेबली जितना हो सके उतना. यस, फील द स्ट्रेच ऑन योर लेफ्ट साइड. इट इज वेरी गुड टू रिड्यूस योर फैट इन द वेस्ट रीजन एंड इवन गिव्स अ लैटरल बेंडिंग टू द स्पाइन. अच्छे से एक बेंडिंग मिल रहा है अपने स्पाइन को भी. स्लोली कम अप. हाथों को नीचे लाएंगे, शोल्डर की तरफ आएंगे तभी पाम ट्विस्ट करेंगे और नीचे दिखाएंगे. वन मोर टाइम. अभी होल्ड के साथ करेंगे. राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड, ट्विस्ट योर पाम एट द शोल्डर लेवल और रेज करेंगे. अभी हम लेफ्ट साइड की तरफ बेंड करेंगे कंफर्टेबल जितना हो सके उतना. लेफ्ट साइड को हम ढीला छोड़ेंगे एंड होल्ड. नॉर्मल ब्रीदिंग. फाइव फोर थ्री टू वन. रिलैक्स. धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे. हाथों को नीचे की तरफ लेके आएंगे. पाम ट्विस्ट करेंगे और थाइस के पास रखेंगे.
Now with the left hand, raise the left hand, shoulder ki level pe aayenge to palm twist और ऊपर लेके आएंगे ears की तरफ, right side bend करेंगे comfortably, right side को ढीला छोड़ेंगे, normal breathing, ध्यान रखिए कि आप आगे की तरफ ना झुक जाए, sideward bending करना है, yes, normal breathing, hold, 5, 4, 3, 2, 1, relax, सीधे हो जाएंगे, हाथों को नीचे, shoulder level पे palm twist करेंगे और hands को thighs के पास रखेंगे। इससे हमारे लीवर के फंक्शनिंग को भी इम्प्रूवमेंट, मतलब फंक्शनिंग लीवर की अच्छी होती है ये आसन से। अभी हम करेंगे परिवृत्त त्रिकोणासन। तो उसके लिए दोनों पैर के बीच में 2 से 2.5 फीट का अंतर रखेंगे। दोनों पैर को सामने की तरफ फेसिंग करेंगे, टोल सामने की तरफ रहेंगे, ओके? अभी जिसे भी स्पाइनल का प्रॉब्लम हो, कुछ भी स्पाइन का प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो या हाई ब्लड प्रेशर इश्यू हो, वो ये अवॉइड करेंगे आसन। तो नाउ वी विल स्टार्ट। इनहेल करते हुए हैंड रेज करेंगे शोल्डर लेवल तक और लोअर बैक के सामने की तरफ झुकेंगे। अभी राइट हैंड से हम लोग लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे या लेफ्ट टोस को, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो पकड़ने के लिए, आपके लेग को वहां पे पकड़ के ऊपर के हैंड को, यानी कि लेफ्ट हैंड को देखेंगे। यस, वापस आएंगे, हैंड्स नीचे, नाउ टुवर्ड्स द राइट साइड। सो रेज योर हैंड, लोअर बैक से नीचे झुकेंगे, स्ट्रेट बैक, स्ट्रेट। अभी लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड राइट हैंड को देखेंगे ऊपर की तरफ, ओके? रिलीज, हैंड्स को रिलीज करेंगे, बैक को स्ट्रेट ऊपर आ जाएंगे, हैंड रिलैक्स। और एक बार करेंगे अभी होल्ड के साथ। सो इनहेल, रेज योर हैंड शोल्डर लेवल तक, एक्सहेल करते हुए नीचे सामने की तरफ, लोअर बैक से बेंड होंगे और राइट हैंड से लेफ्ट एंकल पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को देखेंगे, होल्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, राइट हैंड को लेके अभी सीधा कर देंगे, लोअर बैक से ऊपर आ जाएंगे, रिलैक्स योर हैंड। इनहेल करते हुए वापस हैंड रेज करेंगे शोल्डर लेवल तक, बैक लोअर बैक से वापस नीचे झुकेंगे, बैक स्ट्रेट। अभी लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को पकड़ेंगे और हम देखेंगे ऊपर की तरफ राइट हैंड को, नॉर्मल ब्रीदिंग, होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, हाथ को छोड़ेंगे, बैक स्ट्रेट करके ऊपर आएंगे एंड रिलैक्स योर हैंड्स। दिस इज अ वेरी गुड आसन जिससे हमारे थाई मसल स्ट्रेंथन होते हैं और हमारे स्पाइन को भी एक अच्छा सा रोटेशन मिलता है। नाउ वी विल गो टू उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। उसके लिए हम लोग अपने हील्स पे आ जाएंगे ऐसे, यस, कम ऑन योर हील्स एंड आपके जो लेग्स है वो टोस पे रहेंगे। जिसका भी रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुआ हो या कोई भी चेस्ट रिलेटेड इशू हो या उसका कुछ सर्जरी हुआ हो और जिसे भी हर्निया का इशू हो, वो ये आसन अवॉइड करेंगे। इवन हाई ब्लड प्रेशर, अवॉइड कीजिए ये आसन प्लीज। पहले हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर हिप लेवल तक का, ओके? नाउ हमारे हैंड हम लोग वेस्ट लेवल पे रखेंगे, धीरे धीरे कंफर्टेबली थोड़ा पीछे जाएंगे और राइट हैंड को रोल करके हम लोग राइट हैंड को राइट एंकल से पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड ऊपर रखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे हैंड को,
एंड रिलैक्स, वापस आ जाएंगे हैंड को रोल करके. यस, वी विल डू इट विद लेफ्ट हैंड नाउ. तो हैंड्स को वेस्ट पे थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे. अभी लेफ्ट हैंड को रोल करते हुए ऊपर से लेफ्ट एंकल पकड़ेंगे और राइट हैंड को ऊपर करेंगे. राइट हैंड को देखेंगे. यस, रोल बैक योर हैंड एंड कम बैक. और एक बार करेंगे राइट हैंड से. तो कमर पे हाथ, थोड़ा पीछे जाएंगे, राइट हैंड को रोल करेंगे, राइट एंकल को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे. होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स, नॉर्मल ब्रीथिंग. 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स. आगे आ जाएंगे, हैंड्स को भी आगे लेके आएंगे रोल करके. लेफ्ट हैंड से करेंगे या बैक को थोड़ा पीछे लेके आएंगे. लेफ्ट हैंड को थोड़ा रोल करके लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे. राइट हैंड को ऊपर ऊपर की तरफ देखेंगे, होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग. 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स होते हुए हैंड्स को आगे लेके आएंगे. रिलैक्स, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है हेड रीजन में और इवन थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा है. अभी हम उष्ट्रासन करेंगे दोनों हाथों से. अगर किसी को कंफर्टेबल नहीं हो दोनों हाथों से एंकल पकड़ने को, वो ऐसे ही जो हमने अभी सीखा सिंगल सिंगल हैंड से वैसे ही करेंगे. ओके, सो वी बी डूइंग उष्ट्रासन. उसके लिए कमर पे हाथ, थोड़ा पीछे की तरफ हैंड्स को रोल करते हुए राइट हैंड को राइट एंकल पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल पकड़ेंगे और लोअर बैक को आगे की तरफ पुश करेंगे. हो सके उतना कंफर्टेबली कीजिए, नहीं तो सिंगल हैंड से कर सकते हैं. कम बैक, हैंड्स को रोल करते हुए वापस आ जाएंगे. जिन्हें भी लगता है कि आसन करते समय उनको नी थोड़ा हर्ट करता है या नी में कंफर्टेबल नहीं है, वो एक पतली सी शॉल या टॉवल कुछ भी यहाँ पे नीज के पास रख सकते हैं. और एक बार होल्ड के साथ करेंगे. हैंड्स को हम लोग कमर पे रखेंगे थोड़ा पीछे की तरफ. अभी रोल करते हुए राइट हैंड को राइट एंकल, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट एंकल और लोअर बैक को आगे की तरफ पुश. नॉर्मल ब्रीदिंग एंड होल्ड. 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स. हैंड्स को रोल करते हुए आगे लेके आएंगे एंड वी विल रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड्स इन वज्रासन. वज्रासन में बैठ जाएंगे. वी विल रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड्स. अभी हम करेंगे शशांकासन, रैबिट पोज. उसके लिए हम वज्रासन में रहेंगे और दोनों नीज को थोड़े अंतर करेंगे, दोनों नीज को थोड़ा दूर करेंगे एक दूसरे से. हम लोग अपने हील्स पे बैठेंगे और पीछे से टोज एक दूसरे को टच हुए. जिसे भी गैस्ट्रिक अल्सर हो, पेट में अल्सर हो, वो ये आसन अवॉइड करेंगे. अभी हम लोग इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हाथों को धीरे 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 आगे की तरफ स्लाइड करेंगे कंफर्टेबली. आई विल शो यू. इनहेल, एक्सहेल करते हुए कंफर्टेबली हाथों को आगे स्लाइड करते जाएंगे जितना हो सके कंफर्टेबली. और फिर हमारे फोरहेड को फ्लोर पे टच करेंगे, रेस्ट करेंगे. इवन द पाम्स एंड द एल्बोज आर ऑन द फ्लोर और बटन अपने हील्स पे ही रहेगा. And while inhaling, slowly come back. Inhale करते हुए वापस आएंगे. Very good for your ankles, even your knees, spine के लिए भी बहुत अच्छा है ये.
और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है अपने हेड रीजन में। तो और एक बार करेंगे होल्ड के साथ, तो इनहेल हियर और एक्सहेल करते करते आगे की तरफ हैंड्स को स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे, फोरहेड को जमीन पे और हमारे पाम्स और एल्बोज भी जमीन पे, नॉर्मल ब्रीदिंग 5 4 3 2 1। इनहेल करते हुए वापस आएंगे एंड रिलैक्स। अभी हम पैरों को खोल देंगे बिकॉज द नेक्स्ट आसन व्हाट वी आर डूइंग इज पश्चिमोत्तानासन। तो लेग स्ट्रेट करके हम दंडासन स्थिति में आ जाएंगे। जिन्हें भी बैक का प्रॉब्लम हो या स्पॉन्डिलिसिस का इश्यू हो वो ये आसन अवॉइड करेंगे। इसमें हम दोनों पैरों को साथ में रखेंगे, इन्हें करते हुए साइडवेज हैंड्स को उठाएंगे, ऊपर लेके आएंगे, बैक स्ट्रेट रखते हुए सामने देखते हुए एक्सहेल करते करते जितना हो सके उतना फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, टोस को पकड़ेंगे और हम फोरहेड नीज की तरफ जितना हो सके उतना ले जाएंगे, नीज को बेंड नहीं करना है। एक्सहेल करते हुए वापस सीधा एंड हैंड्स को साइड में, यस हम लोग और एक बार करेंगे। इनहेल करते हुए साइडवेज से हैंड्स को रेज करेंगे ऊपर की तरफ, एक्सहेल करते हुए बैक स्ट्रेट रखते हुए सामने देखते हुए जितना हो सके कंफर्टेबली फॉरवर्ड बेंडिंग, टोस को पकड़ के फोरहेड टू द नीज बेंड नहीं होनी चाहिए एंड होल्ड नॉर्मल ब्रीदिंग 5 4 3 2 1। इनहेल करते हुए रेज योर हैंड एंड एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे, रिलैक्स। नाउ वी बी डूइंग स्लीपिंग आसन। हम हमारे बैक के ऊपर सो के आसन करेंगे सुपाइन पोस्चर। इसके लिए हम कंफर्टेबली लेट जाएंगे, एक साइड टर्न होके हम लोग बैक पे लेट जाएंगे, लेग स्ट्रेट, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, पब्लिक फ्यू ब्रीदिंग। हम करने वाले हैं उत्थान पादासन। जिन्हें भी लोअर बैक का इश्यू हो वो अवॉइड करें, या फिर अपने हैंड्स को अपने वेस्ट में, लोअर बैक यहाँ पे नीचे रख सकते हैं, जस्ट टू गिव अ कुशन टू योर लोअर बैक, या कोई भी शॉल टॉवल कुछ भी रख सकते हैं लोअर बैक के लिए। इसमें हम राइट लेग को 30 डिग्री तक लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे, राइट लेग टिल 45 डिग्री एंड वी विल होल्ड 5 4 3 2 1। Bring it down. Left leg se karenge. Inhale. Raise your left leg to 45 degrees. Hold normal breathing. 5 4 3 2 1. Exhale karte hue niche aayenge. Abhi दोनों पैरों को साथ में करेंगे, इनहेल करते हुए दोनों पैर 45 डिग्री होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग 5 4 3 2 1। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। ये बहुत ही अच्छा आसन है अपने कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने काफ मसल्स को और थाई मसल्स को भी ये स्ट्रेंथन करता है। अभी हम क्या करेंगे, अभी दोनों पैर को रेज करेंगे 45 डिग्री तक और साइकिलिंग करेंगे। आप एक बार देख लीजिए, इनहेल एंड रेज योर लेग टू 45 डिग्री और साइकिलिंग करेंगे, जितना हो सके उतना पैर को स्ट्रेच करके साइकिलिंग करेंगे हम लोग।
Okay, so we'll do it together. Inhale, raise your leg, 45 degrees. हम लोग 10 काउंट्स करेंगे साइकिलिंग के. सो विल स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड्स करेंगे. 1, उल्टा उल्टा लेके जाएंगे साइकिल को. 2, 3, 4, 5. पैरों को एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे एंड रिलैक्स. रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड्स. नाउ वी विल बी डूइंग वन ट्विस्टिंग आसन. एक ट्विस्टिंग आसन करेंगे हम जिसका नाम है जठर परिवर्तनासन. इसके लिए हम दोनों पैर को साथ में लेके आएंगे और नीज से बेंड करेंगे. हील हमारी बटक्स के तरफ रहेगी और हाथों को इंटरलॉक करके हम लोग हेड के नीचे रख देंगे. हाथों को इंटरलॉक करके अभी हम हमारे पैरों को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड पे और हेड को लेके जाएंगे लेफ्ट साइड पे. जब भी हम ट्विस्ट करेंगे राइट साइड पे तभी हमारे नीज और हमारे एंकल्स सब साथ में ही दोनों पैर के साथ में ही राइट साइड जाएंगे और हमारा सिर है जो वो लेफ्ट साइड जाएगा. यस, ट्विस्ट जैसा है जितना कंफर्टेबली ट्विस्ट कर सके आप कीजिए. आपके हिसाब से एक अच्छा सा स्पाइन को ट्विस्टिंग मिलता है इसमें. यस, अभी वापस हेड को सेंटर पे लाएंगे और पैरों को बीच में. अभी हम करेंगे लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग. दोनों पैरों को लेफ्ट साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे और हेड को राइट साइड तरफ लेके आएंगे. यस, वी विल रिलैक्स अपर सेंटर में और एक बार करेंगे. इससे जो हमारे बैक में हमारे हिप पे जो स्टिफनेस रहती है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है. स्टिफनेस कम होती है और डाइजेशन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा आसन है. और एक बार करेंगे होल्ड के साथ. तो लेफ्ट लेग को सॉरी दोनों लेग को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे. हेड को राइट साइड. नॉर्मल ब्रीदिंग. होल्ड. 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. वापस आएंगे लेग्स को बीच में हेड को भी बीच में. अभी दूसरी तरफ जाएंगे. लेग्स राइट साइड पे और हेड लेफ्ट साइड पे. एक अच्छा सा ट्विस्ट है वेस्ट रीजन में. उसको फील दीजिए. फोर. नॉर्मल ब्रीदिंग. 5, 4, 3, 2, 1. पैरों को वापस सेंटर में और हेड को भी वापस सेंटर में. रिलैक्स करेंगे फ्यू सेकेंड्स. यस, अभी हम करेंगे ब्रिज पोज विच इज सेतु बंधन आसन. जिन्हें भी नेक में पेन हो या शोल्डर में या फिर कुछ बैक इंजरी हो तो वो ये आसन अवॉइड करेंगे. थोड़ा नी प्रॉब्लम वाले भी ये आसन अवॉइड करेंगे. उसके लिए हम लोग पैरों को ऐसे ही फोल्ड रख करेंगे नी से और हील्स हमारे बटक की तरफ रहेंगे और हाथ जो है उसकी उंगलियां हमारे हील्स को टच होनी चाहिए. तो हील्स को उतना अपनी तरफ बाजू में लाना है जितना हमारी उंगलियां उनको टच कर सके. Yes. अभी हम इनहेल करते हुए धीरे धीरे बटक्स को रेज करेंगे ऊपर की तरफ. जितना हो सके ऊपर की तरफ रेज कीजिए कंफर्टेबली आपके हिसाब से और चिन को लॉक करेंगे. चिन को चेस्ट की तरफ टच करके लॉक कर देंगे. धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे.
और एक बार करेंगे होल्ड के साथ, हैंड्स कंफर्टेबली हील्स के बाजू में। इनहेल करते हुए बटक्स को रेज करना है कंफर्टेबली, जितना आप रेज कर सके। टच योर चिन टू योर चेस्ट, नॉर्मल ब्रीदिंग एंड होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1 एक्सहेल करते हुए नीचे लाएंगे। इसमें हम और एक वेरिएशन कर सकते हैं, हम हमारे जो एंकल्स हैं उनको पकड़ लेंगे, एंकल्स को भी पकड़ लेंगे और सेम वे से बटक्स को रेज करेंगे। सो वी ऑलवेज डू टुगेदर, हाथों से एंकल्स को पकड़ लीजिए और इनहेल करते हुए रेज द बटक्स, जितना हो सके कंफर्टेबली लोअर बैक को ऊपर की तरफ पुश कीजिए, चिन को चेस्ट पे लॉक कर दीजिए एंड होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1 एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। यस, रिलैक्स योर लेग्स, स्ट्रेट कर दीजिए लेग्स को और रिलैक्स कीजिए। Relax for few breathing. Now we will be doing Nokrasan, जिसे हम बोट पोज कहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों पैरों को एक दूसरे से मिला के रखना है और धीरे धीरे हम हमारी अपर बॉडी, हमारे लेग्स और हाथ तीनों को साथ में रेज करेंगे, जो फिर बोर्ड की तरह लगेगा। जिसे भी हिप जॉइंट का पेन हो या जो भी हार्ट पेशेंट हो या जिन्हें भी अभी रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो वो ये आसन अवॉइड करेंगे, या कोई भी स्पाइनल इंजरी हो वो भी ये आसन अवॉइड करेंगे। तो आप एक बार देख लीजिए, इनहेल करते हुए हम लोग अपर बॉडी, लेग्स और हैंड्स को रेज करेंगे। इनहेल और हम आईज को टोल की तरफ देखते हैं, मतलब आई लेवल और टोल लेवल सेम रहना चाहिए। यस, और इसे थोड़ी देर बैलेंस करेंगे हम और एक देर करते हुए धीरे धीरे नीचे। तो अभी हम लोग साथ में करेंगे, इनहेल करते हुए, इनहेल करते हुए अपर बॉडी, लेग्स और हैंड्स को रेज करेंगे। इनहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, आई और टू लेवल सेम रहेगा, वेरी गुड फीलिंग ऑन द कोर मसल्स। एक्सहेल करते हुए नीचे, इससे हमारे थाइस, इवन हमारे कोर मसल्स को भी ये स्ट्रेंथनिंग करता है। और एक बार करेंगे अभी होल्ड के साथ, तो इनहेल एंड कम अप, नॉर्मल ब्रीदिंग एंड होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1 एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। Relax. Deep inhalation and complete exhalation for good relaxation. Just relax the pelvis for a few seconds. Yes, okay. अभी हम पेट के बल आएंगे, हम लोग पेट के बल आसन करेंगे, प्रोन आसन। So you can sleep on your stomach now. Sleep on your stomach. जो पहला आसन हम करेंगे वो है भुजंगासन, कोबरा पोज।
जिसे भी एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो वो ये आसन अवॉइड करेंगे। भुजंगासन के लिए दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा अंतर रखेंगे, हाथों को चेस्ट की बाजू में रखेंगे और इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे नेवल तक। नेवल तक ही हमें ऊपर आना है और सामने देखेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे और एक बार करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर सामने देखेंगे। यहाँ पे हमें हमारे शोल्डर्स को ब्रॉड रखना है, एक्सहेल करते हुए नीचे। अभी हम ये होल्ड के साथ करेंगे। ये आसन से हमारे एब्डोमिनल फैट्स जो है वो रिड्यूस होते हैं और जो भी हमारे स्पाइन रिलेटेड इंजरी है वो भी सॉल्व होता है। इससे हमारा जो डॉर्सल स्पाइन होता है, चेस्ट के पीछे का सा स्पाइन, उसको भी एक अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। और एक बार हम लोग होल्ड के साथ करेंगे। सो इनहेल, रेज योरसेल्फ, नेवल तक रेज करेंगे, होल्ड नॉर्मल ब्रीदिंग, 5, 4, 3, 2, 1, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे और रिलैक्स करेंगे फ्यू सेकंड्स के लिए। रिलैक्स। अभी हम करने वाले हैं शलभासन, लोकस पोज। जिन्हें भी कार्डियक प्रॉब्लम हो वो ये आसन अवॉइड करेंगे। अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर जिसे भी है और एब्डोमिनल इंजरी कोई भी है तो ये आसन अवॉइड करेंगे। इसके लिए हम हमारे जो हैंड्स है वो हमारे थाइस में नीचे रख देंगे, पाम फेसिंग अपवर्ड्स थाइस के नीचे। चिन को हम फ्लोर पे लॉक करेंगे और जितना हो सके कंफर्टेबली हमारे दोनों लेग हम रेज करेंगे। अगर आपको दोनों लेग्स कंफर्टेबल ना हो तो आप सिंगल सिंगल लेग रेज भी कर सकते हैं। तो हम अभी दोनों लेग को रेज करेंगे जितना कंफर्टेबली हो सके और आप आपके पाम्स का सपोर्ट ले सकते हो लेग रेज करने के लिए और होल्ड करने के लिए। धीरे धीरे नीचे आएंगे। We will do it one more time. अभी हम होल्ड के साथ करेंगे। So with the help of your palm से आपके thighs को push करेंगे तो आपके legs आसानी से ऊपर की तरफ आएंगे, raise होंगे। So raise your legs and hold. Normal breathing. 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। नीचे लेके आएंगे लेग्स को और हैंड्स को साइड पर रख देंगे और फ्यू सेकंड्स के लिए रिलैक्स करेंगे। अभी हम करेंगे धनुरासन, जिसे कहते हैं बोट पोज। अगेन, जिसे भी स्टमक अल्सर्स हैं, एब्डोमिनल इश्यू है, हाई ब्लड प्रेशर है वो ये आसन अवॉइड करेंगे। ये आसन हमें डाइजेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है और ये हमारे बैक को भी स्टिमुलेट करता है, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है। तो आप एक बार देख लीजिए ये आसन कैसे करने हैं। हम हमारे राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे। अभी हम इनहेल करते हुए लेग्स को और अपर बॉडी को जितना भी कंफर्टेबली आप रेज कर सके उतना रेज कीजिए। देख लीजिए एक बार, इनहेल एंड रेज योर अपर बॉडी एंड लेग्स। जितना हो सके आपको आपके लेग्स को ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ हैंड से। एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे।
We'll do it one more time. Inhale, raise your legs and your upper body. जितना comfortably हो सके उतना कीजिए. Yes. And exhale करते हुए नीचे. अभी और एक बार करेंगे. Hold के साथ. So inhale and raise yourself. Hold yourself. Normal breathing. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale करते हुए नीचे हाथों को छोड़ देंगे, पैर को नीचे रख देंगे, रिलैक्स करेंगे फ्यू सेकेंड. जस्ट रिलैक्स yourself फॉर फ्यू सेकेंड. Yes, अभी हम करेंगे नौकासन. उसके लिए दोनों भी हाथ हमें हमारे सिर के ऊपर सामने की तरफ स्ट्रेट रखने हैं. आर्म जो है वो हमारे ईयर्स को टच होंगे. अगेन जिसको भी कुछ एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, ब्लड प्रेशर पेशेंट्स और स्टमक अल्सर्स, वो ये सब आसन अवॉइड करेंगे. इसमें हम राइट हैंड और लेफ्ट लेग रेज करेंगे. ओके, सो इनहेल करते हुए सिर्फ हमें राइट हैंड और लेफ्ट लेग ही रेज करना है. तो इनहेल, रेज योर राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग जितना भी हो सके कंफर्टेबली. एक्सहेल करते हुए नीचे लाएंगे. अभी ऑल्टरनेट हैंड एंड लेग, विच इज लेफ्ट हैंड और राइट लेग रेज करेंगे. तो इनहेल एंड रेज ओनली योर लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग. एक्सहेल करते हुए नीचे. अभी दोनों हाथ और दोनों पैर साथ में हम लोग रेज करेंगे. सो वी विल इनहेल एंड रेज आवर हैंड एंड लेग्स दोनों भी साथ में. जितना कंफर्टेबली हो सके उतना रेज कीजिए. एक्सहेल करते हुए नीचे. और एक बार करेंगे. ये टाइम हम लोग होल्ड करेंगे. So inhale, raise your hands and legs, hold yourself, normal breathing, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale करते हुए नीचे and relax yourself in Makrasan. Makrasan में दोनों पैरों में 2 feet का अंतर, एक दूसरे की तरफ, हैंड एक दूसरे के ऊपर और हेड को कोई भी एक साइड पे रख के हम लोग रिलैक्स करेंगे. वेरी गुड रिलैक्सिंग आसन. जस्ट फ्यू सेकेंड्स ऑफ रिलैक्सेशन इन मकरासन, इसे क्रोकोडाइल पोज भी कहते हैं. इससे हमारे स्ट्रेस को रिलीफ मिलता है, बैक की टेंशन को भी रिलीफ मिलती है. तो रिलैक्स योरसेल्फ कंफर्टेबली इन दिस आसन. फ्यू मोर ब्रीदिंग of relaxation. Yes, now whenever ready हम लोग कोई भी एक साइड पे ट्विस्ट हो गए सिटिंग पोजिशन में आ जाएंगे. Because now we will be doing our प्राणायाम एंड शुद्धि क्रिया.
सो कंफर्टेबली हम लोग सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे. जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ. हम लोग कपालभाति से शुरू करेंगे, विच इज अ शुद्धि क्रिया. जिन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो या हर्निया, या जिन्हें भी गैस्ट्रिक अल्सर का इशू हो, वो या अवॉइड करेंगे कपालभाति. कपालभाति में हम क्या करेंगे, हमें फोर्सफुल एक्सहेलेशन पे ध्यान देना है. इनहेलेशन एक पैसिव एक्ट रहेगा, हमारा जो एक्टिव रहेगा वो है फोर्सफुल एक्सहेलेशन. तो जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमारा जो पेट है वो थोड़ा अंदर की तरफ श्रिंक होगा, और इनहेल करेंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा, जिसे हम कपालभाति कहेंगे. सो वी विल स्टार्ट विथ कपालभाति. उसके लिए कंफर्टेबली बैक स्ट्रेट रख के कोई भी कंफर्टेबल आसन में आप बैठ सकते हैं. यस, क्लोज योर आईज. फ्यू नॉर्मल ब्रीदिंग्स. यस, inhale, exhale. हम इनहेल करके एक्सहेलेशन के टाइम कपालभाति शुरू करेंगे. उसके लिए पहले और एक राउंड नॉर्मल सिंपल इनहेल एक्सहेल. नाउ इनहेल एंड व्हाइल एक्सहेलिंग गिव फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड स्टार्ट. कंफर्टेबली आपके हिसाब से 30-35 स्ट्रोक कीजिए. जब ये एक्सहेल करेंगे तभी स्टमक थोड़ा अंदर जाएगा, एब्डोमेन थोड़ा अंदर जाएगा. इससे हमारे एब्डोमिनल मसल्स को भी एक अच्छा सा मसाज मिलता है, बैली फैट लॉस होता है इससे. कंफर्टेबली 30 राउंड्स, 30 स्ट्रोक्स. Once you finish your 30 strokes, let your eyes be closed and feel the after effects. Regular practice करने से इसे हमारे चेहरे पे एक अच्छी सी shine भी आती है. हम लोग और एक round करेंगे 30 strokes का. जिन्हें भी बीच में ऐसा लगता है कि थोड़ी थकावट सी feel हो रही है, वो एक break लेके वापस से भी शुरू कर सकते हैं. तो और एक राउंड के लिए इनहेल एंड व्हाइल एक्सहेलिंग वी विल स्टार्ट. ये हमारे लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इससे हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो भी क्लीन होता है. रेस्पिरेशन में किसी को कोई भी रेस्पिरेटरी इश्यू हो वो इससे सॉल्व होती है. We'll do 30 rounds. And once you are done, let your eyes be closed. Just feel the silence in your mind. Just feel the calmness in your breathing. Aapki breathing ekdam slow ho gayi hai. Usko mehsoos kijiye. Yes, now slowly you can open your eyes. अभी आज हम करेंगे सेक्शनल ब्रीदिंग. सेक्शनल ब्रीदिंग में हम लोग अलग अलग तीन जगह पे से ब्रीदिंग कैसे होते हैं, जैसे हमारे एब्डोमेन से ब्रीदिंग होती है, चेस्ट से ब्रीदिंग होती है, और हमारे यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं कॉलर बोन, क्लेविकुलर ब्रीदिंग. ये तीन टाइप की ब्रीदिंग अलग अलग होती है जो हम मुद्रा के साथ फील भी करेंगे. तो पहले हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग. उसके लिए हम लेंगे मुद्रा चिन मुद्रा. तो चिन मुद्रा में हमें हमारे थंब और इंडेक्स फिंगर को ऐसे एक दूसरे को हल्के से पकड़ना है, बाकी की तीन फिंगर्स स्ट्रेट रहेगी, और हम उसे हमारा पाम्स नीचे की तरफ ही रख के हमारे थाइस पे रखेंगे. यस,
अभी वी विल क्लोज आर आईज और कंफर्टेबली नॉर्मल विदाउट एनी जर्क्स हम ब्रीदिंग करेंगे. इनहेल एंड एक्सहेल. फील कीजिए कि आपकी ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ दी मुद्रा कहाँ से हो रही है. अभी एब्डोमेन से हो रही है तो उसे फील कीजिए. डीप इनहेलेशन एंड कंप्लीट एक्सहेलेशन. आपका एब्डोमेन जब भी आप इनहेल कर रहे हैं तो बाहर आ रहा है और जब भी एक्सहेल करते हैं तो अंदर जाता है. इनहेल एक्सहेल. इनहेल एक्सहेल. इनहेल एक्सहेल. यस, ये हमारी हुई एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो हमने चिन मुद्रा से की. अभी हम करेंगे चेस्ट ब्रीदिंग जिसमें हम हमारी मुद्रा चेंज करेंगे. ये जो चिन मुद्रा थी उसमें से सिर्फ ये जो तीन फिंगर थे उसको फोल्ड कर देंगे. बाकी की जो थंब और इंडेक्स फिंगर है वो उसे ऐसे ही पकड़ के रखेंगे और वापस हमारे हैंड्स हमारे थाइस पे पाम्स नीचे की तरफ. यस, ये है चिन्मय मुद्रा. इस मुद्रा से हम हमारे चेस्ट ब्रीदिंग का फीलिंग लेंगे. चेस्ट ब्रीदिंग फील करेंगे तो क्लोज योर आईज. इनहेल एक्सहेल. यस, महसूस कीजिए कि आप बिकॉज आपका मुद्रा चेंज हुआ आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी ब्रीदिंग भी चेंज हुआ फ्रॉम एब्डोमेन टू थोरैसिक. तो अभी आप इनहेल करते हैं तो आपका चेस्ट रीजन खुलता है. चेस्ट में सब हमारी इनहेलेशन भरती है और एक्सहेल करते हैं तो नॉर्मल हो जाता है. इनहेल एक्सहेल. इनहेल एक्सहेल. वन मोर टाइम. इनहेल एक्सहेल. रिलैक्स. ये था चेस्ट ब्रीदिंग जिसे हम थोरैसिक ब्रीदिंग कहते हैं. अभी हम करेंगे क्लैविकुलर ब्रीदिंग. क्लैविकुलर ब्रीदिंग में कॉलर बोन से ब्रीदिंग का फीलिंग लेंगे. उसके लिए हम अगेन मुद्रा चेंज करेंगे तो हमारा जो थंब है उससे जो लिटिल फिंगर के जो लास्ट में लाइन है उधर रख देंगे और बाकी के फिंगर्स को बंद कर देंगे. यस, तो एक फिस्ट बन जाएगी और ये हम हमारे थाइस पे रखेंगे. पाम्स वापस नीचे की ओर ही रहेंगे और ये मुद्रा से हम क्लेविकुलर ब्रीदिंग का अनुभव करेंगे. तो आप आईज क्लोज कीजिए. इनहेल करेंगे और फील करेंगे कि हमारे क्लेविकुलर ब्रीदिंग में हमारे शोल्डर्स की तरफ सब हवा भर रही है हमारी ब्रीदिंग आ रही है. एक्सहेल. इनहेल एक्सहेल. इनहेल एक्सहेल. इनहेल. फील कीजिए मुद्रा की वजह से हमारे ब्रीदिंग में भी चेंजेस आते हैं. ब्रीदिंग भी अलग जगह से होती है उसको महसूस कीजिए. वन मोर टाइम. इनहेल एक्सहेल. रिलैक्स. रिलैक्स करेंगे. अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम. अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम लेंगे राइट हैंड से नासिका मुद्रा करेंगे विच इज इंडेक्स फिंगर
और मिडिल फिंगर को बंद करके बाकी की दो फिंगर्स और थंब ऐसे ओपन रहेंगे। ओके, अभी अनुलोम विलोम में हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे, और राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये हो जाएगा एक राउंड अनुलोम विलोम का, जैसे हम टू राउंड करेंगे अनुलोम विलोम के। दूसरा हैंड हम लोग ज्ञान मुद्रा में अपने थाइस पे रख सकते हैं, और राइट हैंड से हम लोग कंफर्टेबली राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। बहुत जोर से नहीं दबाना है राइट नॉस्ट्रिल को, एकदम हल्के से सॉफ्टली सिर्फ हमें बंद करना है राइट नॉस्ट्रिल को। तो वी विल इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट बंद करेंगे, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट, राइट बंद, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। We will continue this practice. Inhale from left, exhale from right, inhale from right, exhale from left, inhale from left, exhale from right. Inhale from right, exhale from left, inhale from left, exhale from right. कोशिश कीजिए कि inhalation से थोड़ा exhalation ज्यादा हो. Inhale from right, exhale from left. Last round, inhale from left, exhale from right, inhale from right, and exhale from left. Relax. हमेशा अनुलोम विलोम को लेफ्ट एक्सहेलेशन से ही फिनिश करते हैं। तो अभी हम हमारा सेशन यहाँ पे फिनिश करते हैं। वी विल बी डूइंग 3 राउंड्स ऑफ ब्राह्मरी और प्रेयर। ब्राह्मरी के लिए हम लोग इनहेल करेंगे नाक से, और एक्सहेल करते समय हमिंग साउंड करेंगे। हनी बी का जो साउंड निकलता है, मकार या नकार, वो हमिंग साउंड करेंगे हम। उसके लिए बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज कीजिए, हैंड्स ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। Yes, comfortably close your eyes, shoulders को relax करेंगे, few normal inhalation and exhalation, now we will start Brahmari, so for that inhale, अभी हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना। तो उसके लिए नमस्कार मुद्रा में ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। द्रव्य पान हथेलियों को रगड़ेंगे, हाथों में ऊर्जा पैदा करेंगे, हाथों को आईज पे रखेंगे, आई बॉल्स को टच नहीं करेंगे और जो वॉर्म्थ है अपने हाथों में उसे फील करेंगे, एक डार्कनेस को फील करेंगे और जो वॉर्म्थ है योगिक एनर्जी है हमारे हैंड में वो फुल बॉडी में स्प्रेड करेंगे। And with you being, we will open our eyes. धन्यवाद। होप आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा और आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू दरा मैम।